हेलो एवरीवन। तो आज यार हमारे साथ हमारे हैं सीबीएसई के अकाउंट्स के टॉपर 2019 के आर्यन, जिनके खुद कितने थे अकाउंट्स में 100 मार्क्स थे। उन गिने चुने बच्चों में से आते हैं आर्यन जिनके 100 मार्क्स थे हमारे अकाउंट्स के एग्जाम में, और आज ये हमारे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। और हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई ने कैसे 100 मार्क्स स्कोर किए और कैसे आप इनसे सीख के अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पिक करे थे भाई अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी से, तो मैं उन मेजर क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो वैसे इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत है नहीं, क्योंकि आर्यन जो है प्रिंस अकेडमी पे एज एन इंटर्न भी काम करते हैं और अभी हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, राइट। तो आर्यन पिछले साल चैनल पे पढ़ते थे, इस साल अब यार काम कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, मतलब मेरे लिए पर्सनली भी एक बड़ी बात है कि यार बच्चे जो हमारी मेरी वीडियोस को लास्ट ईयर देख रहे थे वो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आर्यन उनमें से एक है। तो आर्यन का कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है काम करके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे लिए तो खुशकिस्मती की बात है क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसा ही, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जो मैंने ये सब बोलने के पैसे नहीं दिए और चल रहे थोड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। और हाँ, पहली बार अब हम सिल्वर प्ले बटन भी डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब के हमारी वीडियो में, क्योंकि मेरे को मिल गया था यार, तो मैंने कहा चलो अब इस बार शोकेस कर दिया जाए। पर चलो यार अब मुद्दे पे आते हुए आ रहे हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी पे क्वेश्चन लिए थे और मैं इस वीडियो में सिंपली उन क्वेश्चन का आंसर लेना चाहता हूँ आर्यन से, और जो भी थोड़े साइड टॉपिक्स जिन पे हम डिस्कशन कर सके अकाउंट्स के पेपर के बारे में और दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में। वैसे तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स में और किसमें कितने नंबर थे? मेरे अकाउंट में तो आपने बता दिया 100 थे और बाकी इको में मेरे 99 आए थे, इंग्लिश में 96, इंग्लिश का तो खैर एग्जाम हो गया, और बिजनेस स्टडीज में 95 थे, एंड देन मैथ्स से मेरे तो मैथ्स में 95 थे। चलो बढ़िया, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आर्यन के लिए, अगर तुम चाहते हो इको के लिए आर्यन की वीडियो बना दे तो फिर तुम बता दो कमेंट में। तो पर सबसे पहले चालू करते हुए आर्यन, जो सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं अकाउंट में, अच्छा चलो पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि कल अकाउंट्स का पेपर है, तो फर्स्ट थिंग क्या आ रही है तुम्हारे दिमाग में, तुम बच्चों को मैसेज देना चाहो जिनका कल एग्जाम है? फर्स्ट थिंग ये कि देखो, हम सबको पता है कि तुमने साल भर में बहुत सब बच्चों ने मेहनत करी है, और प्लस है कि कल एग्जाम है और बोर्ड्स बहुत अच्छे जाएंगे आप सबकी, और मुझे सबको पता है, और बस लास्ट डे है तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से जो भी है अपना चिल करो, ज्यादा रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है और बस अच्छे ही जाएगा एग्जाम। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बच्चे ने किसी ने पूछा कि एंजाइटी जो एग्जाम होता है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले की एंजाइटी, एग्जाम होते भी कभी कभार हम एंग्जियस हो जाते हैं, या फिर आज आखिरी रात है उसकी एंग्जाइटी, उसके ऊपर तुम क्या कहोगे? एंग्जाइटी की बात है, मतलब लोगों का अगर स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो काफी जनरल बात है कि आप स्टूडेंट हैं तो स्ट्रेस तो हो गई, हमें भी होता था और आपको भी होता है। बिल्कुल, मुझे भी। हाँ बिल्कुल, तो एग्जाम में तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपनी जिंदगी बना लो। स्ट्रेस लेना कहीं ना कहीं अच्छी बात है क्योंकि आपको उससे मोटिवेशन मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम से खुद को ही मतलब बर्बाद कर लो कि मेरे एग्जाम से तो क्या होगा। नहीं, आराम से पढ़ाई करो, स्ट्रेस लो, स्ट्रेस अगर हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये भी मत कर लो कि आपने खुद को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी हो रहा है तो देखो यार, बोर्ड्स है, मतलब सब कुछ तो अभी ऐसा नहीं कि बोर्ड के बाद अभी है, तो मैंने ये बात बहुत बढ़िया बोली कि स्ट्रेस जो है या एंजाइटी जो होना है एक मोटिवेटर की तरह भी हम कह सकते हैं, बट हाँ ज्यादा एक्सेस स्ट्रेस खराब हो जाता है। और अगर किसी को, तुम्हारा क्या कहना है इस पे कि अगर किसी को एक्सेस स्ट्रेस हो रहा हो तो वो क्या कर सकता है, मतलब तुम्हारा क्या है इसमें? अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। अच्छा, और प्लस ये कि आप देखो ना, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम है तो आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम थोड़ी है, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं कि बोर्ड को हल्के में ले लेना क्योंकि बोर्ड्स इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बट ये सब कुछ नहीं है। ठीक है अच्छा चलो, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आज हर बच्चा यही पूछता है अकाउंट्स में, सबको बताया अकाउंट्स बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव एग्जाम है, मतलब टाइम बड़ा कम पड़ जाता है हर किसी को, तो टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के होता वही क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बोर्ड के एग्जाम में, तुम बताओ उसको। बिल्कुल, बात तो सही है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो होती है, खासकर अकाउंट जैसे में। तो देखो क्योंकि अब तो बोर्ड्स का टाइम है, तो फाइनल एग्जाम्स है, तो अब आप लोगों ने तो बहुत काफी एग्जाम दिए थे, आपने अभी मोस्ट प्रोबेबली एक महीने पहले आपने प्री बोर्ड दिए, तो आपको पता है कि आप मतलब आपने आपकी स्पीड क्या है, आप क्या करते हो। तो मेरा मानना यह है कि आप आज तक जो एग्जाम देते आए हो, आपको पता है कि आप किस जगह पे लैग कर रहे हो, मतलब आप कौन से वीक पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन से क्वेश्चन को जितना फास्ट अटेम्प्ट करते हो, या मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ है कि मैं कैश फ्लो को फास्ट फ्लो बनाता था, तो आपको पता है, तो आप उसी हिसाब से टाइम को मैनेज करके चलो। और हाँ, कि एग्जाम में ये है कि एग्जाम में आप लोग वॉच लेके जाना, क्योंकि अकाउंट्स के एग्जाम में वॉच इज वेरी कंपलसरी, और बाकी टाइम मैनेजमेंट देखो, क्योंकि बात है कि टिप्स की बात है, तो मैं तो नहीं जानता ना कि कौन सा बच्चा, तो मैं इंडिविजुअली टिप्स नहीं दे सकते, बट इन जनरल क्या किस तरीके से
बच्चा अपने आप को इवैल्यूएट करके ये चीज करे कि मैं कैसे करूं टाइम मैनेजमेंट। मतलब इवैल्यूएशन की बात हो तो वही मैं कहूँ कि बच्चे को पता है कि उसके आज तक कितने नंबर आए, आप सबको पता है ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देखो कि आपके नंबर क्यों कटे थे, क्या आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी, क्या आपके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस रहा था, क्या आपके एग्जाम में कुछ मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, अगर ऐसे कोई बात है तो आप खुद से देखो कि आप कहाँ लैक करो, खुद से इम्प्रूव करो। बट इम्प्रूवमेंट का तो यार रूम ज्यादा बचा नहीं ना, कल ही एग्जाम है, तो मतलब तुम अब यहाँ पे बेसिकली यही कहना चाहते हो कि अगर हम इसको, अगर तुम सही बताओ ठीक है ये बात कि बच्चे को तुम ये कहना चाहते हो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसको पता मैं टॉपिक्स इजीली सॉल्व कर लेता, पहले उससे स्टार्ट करना चाहिए और फिर बाद में ऑब्वियसली दूसरे पे। तो फिर इस पे तुम्हें ऐसा नहीं लगता, जैसे इंग्लिश के पेपर में मैंने बच्चों को टिप्स दिए थे कि भाई पेपर पूरा आपका एक एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो अकाउंट्स के पेपर में ऐसा कोई चक्कर है कि अगर सीक्वेंस खराब हो तो कोई भी दिक्कत, वैसे इंग्लिश के में भी नहीं थी, बट बेटर ये था सीक्वेंस में करे, तो अब तुम्हारा अकाउंट्स में बिल्कुल बात तो सही है। देखो ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपको सीक्वेंस, तुमने सीक्वेंस में करा था, मैंने सीक्वेंस में करा था, लेकिन ऐसे कुछ रूल तो नहीं है, लेकिन लॉजिक सी बात है कि अगर आप भी किसी बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हो, जब आप एक टीचर हो, आपके पास प्रेशर है कि आपको दिन में इतनी कॉपी चेक करनी है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपकी कॉपी में बच्चे क्वेश्चन सीक्वेंस में कर रहे हैं, अब आपने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आया फिर एकदम से क्वेश्चन नंबर 15 आ गया तो फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, पर इट इज बेटर कि आप चीजों को सीक्वेंस में रखो, चाहे एग्जामिनर को आसानी हो, और बहुत बार जब आप भी एग्जाम में कॉपी को रिवाइज करते हो तो आपके लिए भी चीज आसान बन जाती है। तो फिर अगर मान लो आप जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो बच्चा फिर अल्टीमेटली क्या करे अगर उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वो सीक्वेंस में नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात है? बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप सीक्वेंस में नहीं कर पा रहे तो कुछ भी गलत नहीं है, आपके नंबर कहीं नहीं कटते, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि एट द एंड तो ये अकाउंट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करे, आप सीक्वेंस में करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। पर टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम यही कहोगे कि भाई अपनी स्ट्रेंथ जो है पहले वो क्वेश्चंस खत्म करो, फिर उसके बाद जो वीक एरियाज है उन पे आ जाओ, बट अगर पेपर सीक्वेंस में कर लो तो बेटर है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो चलो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे तुमने ये कहा है ठीक है। अच्छा अब जैसे कल एग्जाम है 12 घंटे या लगभग थोड़ा उससे कम या ज्यादा टाइम है, तो रिवाइज कैसे करना चाहिए इस टाइम पे बच्चे को? देखो मैं अगर ब्लंट बोलूं तो अभी तो यार आप लोग को रिवाइज ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत लोग अभी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, बुक खोल के क्वेश्चन लगाए जा रहे होंगे, ये करने की जरूरत नहीं है, अभी लास्ट टाइम है, अभी अगर मान लो आपसे गलती से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपकी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा, तो आपको ये करना ही नहीं है। मेरा मानना है कि लास्ट डे ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, आपके 3 बुक्स चलती है, आप एक बार खोलो और आपको पता है कि चीजें कंटेंट क्या है, एक बार से एकदम से ऊपर से देख लो क्या फॉर्मेट है। हां लेकिन ये बात मैं कहूंगी अगर कोई वैसा क्वेश्चन है जो आपके टीचर से कहा है कि बिल्कुल क्वेश्चन काफी ज्यादा एंटीसिपेटेड है तो वो क्वेश्चन बना लो, लेकिन सारे करने मत बैठ जाना, सैंपल पेपर करने मत बैठ जाना, बिल्कुल चिल रहो। ठीक है तो चलो अभी से क्वेश्चन हमने बोला फॉर्मेट्स के ऊपर आते हैं, बच्चे फॉर्मेट्स से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि फॉर्मेट्स पहली बार बनाने जरूरी है या नहीं है, पेंसिल से बनाए पेन से बनाए, ये इस पे सबसे पहले आप तुम क्या करोगे? फॉर्मेट्स ऑब्वियसली बनाने जरूरी है क्योंकि आपके कॉमन बैकग्राउंड से आपको पता है कि अगर आप अकाउंट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मेट तो चाहिए। अच्छा फॉर्मेट से तुम पहली बार ये डिफाइन कर दो ताकि सब किसी को क्लियर रहे, फॉर्मेट से तुम्हारा क्या मतलब है? फॉर्मेट मेरा मतलब बेसिकली अगर आप जर्नल बना रहे हो तो जो डब्बे बनाते हैं ना बेसिकली देसी भाषा में बोले तो जो डब्बे हैं जो लेजर अकाउंट से कैश फ्लो उनके जो बॉक्सेस हैं एग्जैक्टली वो सब बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा और वैसे बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि पेन से बनाए पेंसिल से बनाए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि भाई पेंसिल से बना दो, रिस्की क्यों लेना? एग्जैक्टली पेंसिल से बनाने इज ऑब्वियसली बेटर, लेकिन हाँ फिर बात ये कि पेन से बनाने में भी नंबर नहीं कट रहे कहीं, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पेंसिल से बनाओ ताकि थोड़ा पेपर प्रेजेंटेबल बने। हाँ कंफ्यूजन ना ही रहे, राइट। तो अच्छा और इसमें स्केल मतलब कैसे फॉर्मेट स्केल कहते हैं बच्चे यूज करना है, मतलब तुम्हारे क्या कहना है कि स्केल ये भी पता है? इसमें भी मैं वही चीज बोलूंगा, आप ही बताओ फिर भी आप कॉपी चेक करो, आपको अच्छा लगेगा कि आपके सामने कोई बंदा जर्नल बना रहा है और लाइन से जा रही और एकदम कट गई लाइन ऐसे जा रही, ऑब्वियसली नहीं। हां ऑब्वियसली पेपर में बनाओ, स्केल से अच्छे से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, ताकि देखो सीबीएसई में ना प्रेजेंटेशन बहुत वैल्यू रखती है, आपको भी पता है बिल्कुल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, तो आप पेपर अच्छा अकाउंट्स में फिर हैंडराइटिंग क्या इतनी ज्यादा मैटर करती है? देखो अकाउंट्स में ज्यादा जो नंबर आपकी एक तो नंबर वाले क्लियर होने चाहिए, आप ऐसे नहीं। हाँ ये बात तुम बहुत अच्छी कह रहे हो, मुझे यहाँ तक याद है मेरे भी अकाउंट्स के टीचर ने मेरे टाइम में भी ये चीज बहुत क्लियरली बोली थी, स्पेलिंग हो ठीक है, वर्ड्स आप ठीक लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, पर वैल्यूज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही ना बचे कि हाँ ये नंबर क्या है। अभी ऐसे अकाउंट्स में ये मैटर नहीं कर रहा कि अगर आप कैपिटल के स्पेलिंग में टी भूल जा रहे हो आई भूल जा रहे हो, रादर देन ये कि आप 10,000 को 1,00,000 लिख के आ जा रहे हो, क्योंकि 10,000 तो मेरी ये गलती हो चुकी है, तो हमारे टीचर ने भी काफी डांट लगे, तो आपके
आपकी न्यूमेरिकल काफी क्लियर होनी चाहिए और 10,000 आपका ये ना लगे कि आपका 8 लग रहा है 6। हाँ बिल्कुल, या कुछ भी उल्टा सीधा आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ ये बात तो है। अच्छा खैर, अच्छा और फॉर्मेट पे अगर तुम और कुछ क्लैरिटी देना चाहो, पेंसिल से बनाने चाहिए बच्चों को, बिल्कुल स्केल यूज करके बनाना चाहिए, और कुछ ऐड करना चाहते हो फॉर्मेट पे? ब्लैक ब्लू पेन की काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, तो लास्ट ईयर हमारे में ब्लैक पेन तो अलाउड नहीं था, तो आप एक बार अच्छे से देख समझ के जाना, अगर ब्लैक पेन अलाउड है मैं तो कहूंगा यूज ही मत करो, पेंसिल ही यूज करो बेटर है, लेकिन अगर आपको फिर भी मन है तो बिल्कुल श्योर हो के ही जाना, क्योंकि ब्लैक मतलब इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ढंग से, इंस्ट्रक्शन में सब लिखा होता है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन शीट में सब लिखा होता है, उसको अगर बच्चा बिल्कुल ढंग से इसका मतलब ही यही है कि हम जो भी एडवाइस आपको दे रहे हैं, कोई भी टॉपर कोई भी यूट्यूबर आपको एडवाइस दे रहा है, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना अगर आपको नीड लग रही है तो, ऐसा नहीं है आपको ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करना है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बताओ, इसी से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड, वर्किंग नोट्स पे बड़ा डाउट आया था, वर्किंग नोट क्वेश्चन से पहले बने, आंसर से पहले बने या आंसर के बाद बनना चाहिए? बिल्कुल, वर्किंग नोट पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत कंफ्यूजन ही है कि जैसे शेयर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं शेयर के, उसमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि मैं वर्किंग नोट कितना स्पेस कितना छोड़ूं, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप वर्किंग नोट क्वेश्चन के पहले भी कर रहे हो, मैंने खुद को बोर्ड में वर्किंग नोट क्वेश्चन के पहले दे सारे क्वेश्चन में या क्वेश्चन अलग अलग आंसर्स में अलग अलग, जैसे बात है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये करो कि आपने सारे क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व कर लिए और वर्किंग नोट सबके बाद में एक साथ कर दो, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा मिस बन जाएगा, तो मैं क्या करता था कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो प्रॉपर सॉल्व करने से पहले में जो वर्किंग नोट होते थे वो क्वेश्चन का पहले कर लेता था, मतलब आंसर से पहले कर लेता था। और वर्किंग नोट में एक ये भी डाउट है, वर्किंग नोट कैसा होना चाहिए? देखो बहुत कॉमन सी बात है, वर्किंग नोट मतलब कि आप रफ कर रहे हो, वो कैसा भी हो सकता है, उससे ज्यादा सुंदर हुआ बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो आपके काम के लिए, मतलब एग्जामिनर को ये देखना है कि आपने कहीं से चीटिंग नहीं करी है, तो हाँ तो इसमें कुछ ज्यादा सुंदर करने की जरूरत नहीं है, पर एक थोड़ा जेन्युइन है बस, जेन्युइन है, दिखने में जेन्युइन लगे, मतलब कटिंग्स ना हो ज्यादा, ये भी नहीं कि ब्रश करो तो बिल्कुल ही उस पे बिल्कुल ही सिर्फ ब्रश वही बना डालो, टेढ़े बनाए हैं, काटा पीटी करा है, वो चीज नहीं, बस एक जेन्युइन फिगर्स होनी चाहिए और जेन्युइन बातें लिखी हुई हो, बस इतना लिखा हुआ हो। वर्किंग नोट्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं होता है ना? बिल्कुल, तुमने भी मेरे ख्याल से कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया होगा, और अगर बच्चा चाहे तो आंसर के बाद भी कर ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट की बात है, इसमें अगर कोई बंदा आंसर से पहले कर ले तो उसके लिए फायदा ही है, कैलकुलेशन हो गई। Exactly, अब उस कैलकुलेशन को बाद में करे, फिर उसको लिखे, फिर दोबारा बाद में लिखे, मतलब वो चीज तो कंफ्यूजन है। और पहले करने का ये भी फायदा है कि अगर आप बाद में करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप जनरल एंट्रेंस के लिए कितना स्पेस छोड़ोगे, मान लो स्पेस कम पड़ गई तो आपको फिर एक्स्ट्रा लिखना। एक्जैक्टली, वो फिर अगर हमारा आपने बाद में पहले कर दी, बहुत चक्कर है, तो पहला करने बेटर, ठीक है। अच्छा एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होना अकाउंट्स के केस में, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स के केस में स्पेशली, कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता तो उस केस में क्या करें? देखो बात है कि हो सकता है कि कई बार मान लो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, हाँ तो आपके बीच में एकदम से पैनिक अटैक आ जाता है। पहली बात तो ये टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और बहुत बार क्या होता है हम मतलब अकाउंट्स आपकी बैलेंस शीट क्यों मैच नहीं करेगी, आपने किसी आइटम को छोड़ दिया, आप किसी एडजस्टमेंट को भूल चुके हो, ठीक है, तो मान लो आपकी बैलेंस शीट में 500 का डिफरेंस आ रहा है, तो सबसे पहले ये देखो कि मतलब एक बात तो मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी क्वेश्चन पे एकदम से सारा टाइम जाया कर दो, एक दो बार देखो नहीं हो रहा है तो मूव ऑन, तो उस टाइम के लिए क्या करना है, मान लो 500 डिफरेंस आ रहा था, अब देखो कि क्या आपके क्वेश्चन में किसी 500 का आइटम है जो छूट गया। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी परसेंटेज में होता है, तो मान लो आपके 1000 का आइटम 500 का आइटम छूट गया, आप देखो कि उसके हाफ करके या इनटू टू करके ऐसे करके कोई आइटम बन रहा है जो आपका मिसिंग, मतलब कुछ कैलकुलेशन हाँ एरर हो सकता है या फिर कोई आइटम मिस हो गया, बिल्कुल वो मतलब अपने आपको उसने कैस्केड किया है, हाँ भाई 2000 के आइटम थी उसकी डिवीजन 1000 से होनी थी, और फिर उस चक्कर में वो फिर आई, क्योंकि ये है कि बोर्ड्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो होती नहीं है, बिल्कुल 1/5 1/3 हाफ, तो आप थोड़ा सा इस पे कर सकते हो, पर ये भी मैं फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल टाइम मत जाया कर देना, मतलब थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके ट्राई कर लो, नहीं हो रहा तो मूव ऑन कर लो, बाद में जब अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो दोबारा आओ, बट उसमें मतलब उसको मूव ऑन कर, मतलब एक अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया तो थोड़ा टाइम उस पर दिमाग लगाओ, बट बाकी तो मूव ऑन मूव ऑन बहुत मिल जाएंगे, कोई नहीं। चलो ठीक है। अच्छा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन,
और शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी, लेकिन आपको पता है आपकी स्पीड अच्छी है आपकी स्पीड खराब है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो इट इज बेटर टू स्टार्ट पीछे से, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर आपने एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन कर लिए फिर आपका 8 नंबर के एक क्वेश्चन छूट गया तो क्या फायदा। तो अगर आपकी स्पीड कम है तो इट इज बेटर के बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आपको पता है कि आप कोई पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो तो इट्स ऑल योर, आपको जब करना है कर लो, जिसकी तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा है जिसमें तुमने सही किया है उसको ही हमेशा पहले अटेंड करो। और इसका अगेन मैंने इंग्लिश में भी इसका डिस्कशन किया था, अगर आपके क्वेश्चन की स्टार्ट ठीक है, ठीक है, अगर आपके पेपर मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी पेपर के आपके स्टार्टिंग में 3-4 पेजेस ठीक है उनमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो एग्जामिनर के आगे आपकी अच्छी इमेज बन गई, और फिर जब एग्जामिनर के आगे आपकी अच्छी इमेज बन गई तो उसके बाद वो लीनियंट चेकिंग ही करे। बिल्कुल ये बहुत ट्रू बात है, वही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है ना, वो वाली चीज वही गई। अच्छा एक क्वेश्चन फॉर्मेट से रिलेटेड, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स में बच्चे क्या? शॉर्ट फॉर्म था, शॉर्ट फॉर्म के लिए कंफ्यूजन नहीं, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो लोग SPR लिख देते, नहीं मैं वैसा नहीं होता, प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपको एग्जाम में तो शो करना होता, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसा तो नहीं है ना कि आप दिखा रहे हो कि मुझे सब आता है, आपको एक्सप्रेस करना होता है, तो आप प्रूफ पूरा लिखोगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब कहीं भी शॉर्ट फॉर्म नहीं, बिल्कुल नहीं किसी भी केस में और कहीं भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट हमारा आंसर है, ठीक है। एक एक पेपर का लेवल, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पेपर का लेवल क्या, पेपर का लेवल होता है, मुझे हंसी आ रही है इस क्वेश्चन पे क्योंकि आपको भी आएगी जब आप बोर्ड का पेपर देखते हो। हाँ बताओ तो, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, लाइक लिटरली आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ही नहीं जो आपने कभी किए ही नहीं। बोर्ड्स का पेपर बहुत आसान और लोग कहते हैं लेंदी भी नहीं होता, अगर आपने सफिशियंट प्रैक्टिस करी हो तो बोर्ड्स आर वेरी इजी फॉर यू, और खासकर अकाउंट्स में तो क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं हमेशा, बस नंबर चेंज होते हैं, तो बहुत आसान होता है पेपर। तो प्रीवियस और अगर हम प्रीवियस ईयर को भी अगर आप गो थ्रू करो, मैं बच्चों को यही कहता हूँ, तुमने भी अपने टाइम में प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली सॉल्व करे होंगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि यार इजी ही है और शॉर्ट है बिल्कुल। और CBSE हर साल पैटर्न ही फॉलो करती है चाहे कोई भी पेपर हो। अच्छा इसमें तुम उससे रिलेटेड कोई टिप देना चाहोगे कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कहां से आते हैं, कहां क्या सॉल्व कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस थ्योरी वाले और रेशियोज वाले क्वेश्चंस, इनके ऊपर तुम्हारा? जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसमें क्या है, अगर आप सीबीएसई के पास्ट ईयर तो अपना सीबीएसई से सैंपल पेपर ऑफिशियली प्रोवाइड करती है वो देख के जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ जाते हैं सीबीएसई के जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और रेशियोज की बात हुई तो रेशियो में क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, मतलब लिक्विडिटी रेशियो वगैरह कैलकुलेट करने बोलते हैं, तो बुक के जो क्वेश्चन है आप वॉट एवर बुक फॉलो करते हो, हमारे टाइम में तो लाइक आई थिंक आपके टाइम में वही सारी बुक चलती होगी, टीएस ग्रेवाल, मैंने अपने टाइम में सिर्फ टीएस ग्रेवाल, हाँ पिछले साल के, मतलब मेरे हालांकि मैथ्स में इतने अच्छे नंबर थे, मैंने 93 थे, पर मैंने टीएस ग्रेवाल और प्रीवियस ईयर पेपर्स ही करे थे। तो और तुमने कौन सी बुक रेफर करी? मैंने टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल। अच्छा 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 अच्छा, तो टीएस ग्रेवाल कुछ ऐसी बुक्स हैं जो ऑल इंडिया में चलती है, तो आपने पता नहीं, तो तुम्हारा तो बात है कि उन बुक्स में जो क्वेश्चन होता है ना रेशियोज के दिया सफिशिएंट, आप उतना कर लो हो जाएगा, और थ्योरी को तो मैंने बताया, देखिए पास्ट ईयर देखो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कुछ इस चीज में कहना चाहोगे कि कोई बच्चे की अगर बिल्कुल हालत खराब है तो पासिंग मार्क्स वो कैसे स्कोर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अकाउंट्स में देखो पासिंग मार्क्स स्कोर करना तो सबसे, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि बोर्ड में पासिंग मार्क्स स्कोर ही करना, हाँ बोर्ड में तो फेल होना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बोर्ड में पास करने से ज्यादा फेल होना मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है अकाउंट्स में तो फॉर्मेट से आपके फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा बिल्कुल ही ब्लैंक हो, अब जैसे मान लो आपके बैलेंस शीट का क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, तो एटलीस्ट आइटम्स तो पुट कर सकते हो, आइटम पुट कर दो, अगर आपके पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बैलेंस पुट कर दो, फॉर्मेट अच्छे से बना दो, आप अगर सारे क्वेश्चन में फॉर्मेट से वैल्यूज पुट करके आओगे ना तो आप आराम से पास कर जाओगे। ये मेरा और इसमें ऐड करते हैं, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ भी है कि बोर्ड में फेल होने का सिर्फ एक तरीका है, आप पेपर अटेंड ना करो, हां बस, क्योंकि अगर भी लिखते हो, हां अगर आप, क्योंकि वहां पे टीचर्स को पास करना है, और यार ये एक रियलिटी है, देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी कांग्रेस किसी की तरफ लेना जा रहा हूं, बट रियलिटी यही है कि कोई भी गवर्नमेंट या अपनी मिनिस्ट्री को ये नहीं चाहती कि हमारे टाइम में बच्चों की फेल रेशियो बढ़ जाए, तो ये चीज रियलिटी है। सीबीएसई एटलीस्ट ये तो चाहती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास हो, ठीक है, और पास होने में एक ही तरीका है कि अगर आप पेपर ही 30 नंबर का करके आओगे तो ऑब्वियसली फिर आप पास नहीं होते, बट अगर बच्चा 50-60-70 नंबर हो कुछ भी करके आ जाए पेपर तो एटलीस्ट पास हो जाएगा। मेरा इस पर ये मेरा पर्सनली मेरा यही मानना है,
ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक जनरल, अब जरा हम थोड़े हमारे अकाउंट से बाहर आते हैं क्योंकि आगे भी एग्जाम्स होने हैं, तो उससे अगर बात की दूसरे एग्जाम्स की बात करें, जैसे इकोनॉमिक्स में तुम्हारे अच्छे नंबर थे, इकोनॉमिक्स के लिए अगर बच्चे गए तो मैं सेपरेट इंटरव्यू कर लेंगे, इकोनॉमिक्स में या मैथ्स में एक टाइम टेबल से स्टिक करना लास्ट के डेज में क्या इंपॉर्टेंट है, या लास्ट के डेज में क्या करना चाहिए? देखो भैया मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैंने कभी टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि लोग ना ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, 8 बजे खाने नहीं खाऊंगा, 9 से 10 मैं मतलब अपने आप को ऐसे करते थे कि आपके शोलों पे चलूंगा, लोग खुद के स्लेव्स बन जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना। आप देखो कि आपको पढ़ाई में कब इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आपको कोई फोर्स करके पढ़ा नहीं सकता, इवन आप खुद को फोर्स करके नहीं पढ़ा सकते, तो आप दिन में वो टाइम जो जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है कोई फायदा नहीं। अगर आपको दिन में मन नहीं लग रहा, 8 घंटे पढ़ रहे हो, रैदर देन आप उस टाइम पे पढ़ लो जहाँ आपकी 2 घंटे हाई प्रोडक्टिविटी है, तो टाइम टेबल पर टिक करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। आप तभी पढ़ो जब यू फील लाइक डूइंग इट, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि आपको पढ़ना ही पढ़ना, आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो तो अल्टीमेटली आपका ही लॉस है। आप दिन में 4 घंटे सो लो, लेकिन जब आप रात के 5 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसी पढ़ाई कर दो कि वो 4 के 4 घंटे रिकवर हो जाए। तो मैंने कभी टाइम टेबल पर स्टिक नहीं करा, और मैं भी यही कहना चाहूंगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप भी टाइम टेबल पर स्टिक मत करो, अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने पीक टाइम के हिसाब से ही पढ़ाई करो। मतलब तुम्हारा, हालांकि मैं भी इस चीज का ही बिलीवर हूँ, और मैं पहले मैंने हरिशंकर का भी इंटरव्यू डाला था जो हमारे टाइम के सीबीएसई टॉपर थे, तो उनका भी यही कहना था कि यार जब पढ़ाई की बात आती है टाइम टेबल को इतना ज्यादा फॉलो करने को सेंस नहीं बनती है, क्योंकि कोई ये नहीं, मेरा पर्सनली यही कहना है कि कोई इंसान ये देख के आपको नंबर नहीं देगा कि आर्यन हमारे साथ आया हूं उन्होंने 16 घंटे पढ़े थे, हर कोई आपको ये नंबर देगा देखे कि आपने सही आंसर लिखा है। बिल्कुल, और सही आंसर के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको रात को पढ़ना पसंद रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना पसंद सुबह पढ़ो। बिल्कुल, शायद तुम भी यही कहना। हाँ बिल्कुल, और अगर आपके घर में बोला जाता है कि नहीं तुम सुबह ही उठ के पढ़ो रात को मत पढ़ो, तो आप भी अपने पेरेंट्स को समझाओ कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता, मैं पर्सनली भी सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता, मैं रात के 5 बजे खुद भी कभी नहीं पढ़ा, मैं कभी सुबह अपनी लाइफ में मैं कभी सुबह नहीं पढ़ा, मैं हमेशा इवनिंग में रात को ही पढ़ पाया, कभी सुबह नहीं पढ़ पाया। हर आदमी की अपनी चॉइस होती है यार, हर आदमी के जीने का अपना स्टाइल है, तो बिल्कुल आपको जब मन तब पढ़ो, टाइम टेबल पर टिक करना इज नॉट नेसेसरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो चलो यार यही ही हमारे पास वैसे मोस्टली क्वेश्चन यही थे इंटरव्यू पे हमारे, यही था। तो यार आर्यन आगे के वीडियोस में हम देखते हैं, हम और भी टॉपर्स को लाएंगे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उनसे भी अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका क्या क्वेश्चन है, और फिर हम उनके टॉपर से बात करेंगे और आपके लिए इंटरव्यू और लेके आते रहेंगे। तो चलो यार बेस्ट ऑफ लक गाइस कल के एग्जाम के लिए, एंड बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय। कितनी देर की वीडियो बन गई? 22 मिनट।